हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे बीकॉम का जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट था वो रिलीज़ हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिर्फ जो पासिंग हमारा रिज़ल्ट है बीकॉम का वो सिर्फ 49.2% के समथिंग रहा है, जिसमें से 3078 बच्चे ओवरऑल थे मेन कैंपस प्लस सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस को मिला के जो स्टूडेंट की संख्या थी वो 3078 थी, जिसमें से यहाँ पे 1509 लोग पास हो गए हैं और 765 लोग ऐसे हैं जो कि ना तो फेल हैं ना ही पास हैं। सेकंड एग्ज़ाम का मतलब समझो, जिनका भी सेकंड एग्ज़ाम है ठीक है, उनको एक और मौका मिलेगा। वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, उनका सब्जेक्ट बैक लगा है ना कि उनका ईयर बैक लगा है। तो ऐसे 765 स्टूडेंट जिनका भी जो से भी सब्जेक्ट में उनका 33% से कम मार्क्स है, उनको एक बार और एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका ऑलमोस्ट अभी 1 से 1.5 महीने टाइमिंग है, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से उसमें कर सकते हो। लेकिन वहीं 631 ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए हैं, उनको फिर से फर्स्ट ईयर पूरा पढ़ना होगा। और 167 बच्चे एबसेंट थे और 6 UFM। अब जो नया स्टूडेंट है वो UFM का मतलब जान लो। UFM मतलब जो एग्ज़ाम में आप चीटिंग करते हो, पकड़े गए हो अनफेयर मटेरियल, तो UFM वालों का कुछ नहीं होगा, उनको भी फिर से पढ़ना ही पड़ेगा। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, तो अभी अगर आपने PDF डाउनलोड नहीं किया तो PDF डाउनलोड कर लीजिए। एंड BA का भी रिज़ल्ट सितंबर में आ जाएगा। फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, पहले BSc का जहाँ तक आएगा, उसके बाद BA का आपको लास्ट में सितंबर में देखने को मिलेगा। एंड BA सेकेंड ईयर का भी रिज़ल्ट जल्द ही आ जाएगा।